बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर फ्रॉक बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेलबेड फैब्रिक टोटल फाइव मीटर लिया है इससे हम डिजाइनर फ्रॉक बनाएंगे देखिए जो भी मैं फ्रॉक यहाँ पर कट कर रही हूँ तो सारे मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इन्हीं हिसाब से मैं फ्रॉक कटिंग कर रही हूँ आपका जो भी मेज़रमेंट है आप अपने हिसाब से कट कर लें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैब्रिक को ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद जो करनी वाली साइड है देखिए इस तरीके से मिलाएं और उसके बाद एक और तय कर दें तो फोर फोल्ड में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इधर से देखिए कपड़ा बराबर नहीं है तो मैं बराबर कर लेती हूँ तो बिल्कुल हमने बराबर कर कर फैब्रिक को ले लिया है अब उसके बाद टॉप पार्ट की आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हो उतनी ले लें तो मैं यहाँ पर तेरह इंच की टॉप पार्ट की लेंथ रख रही हूँ और उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इन्टी टेप से करना चाहो तो एंटी टेप से भी कर सकते हो अब यहाँ से ये यह फैब्रिक कट कर देना है और बाकी का बचा हुआ फैब्रिक से हम घेरा कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले आपने शोल्डर का निशान लगाना है तो सिक्स इंच का मैं निशान लगा रही हूँ शोल्डर का आर्म होल सेवन इंच का निशान लगा रही हूँ आपके जितने भी मेजरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग ही कट कीजिएगा तरीका सेम रहेगा चाहे कितना भी बड़ा फ्रॉक हो या छोटा फ्रॉक हो अब यहाँ पर चेस्ट में रख रही हूँ सोलह के हिसाब से तो सोलह का हाफ कर लें एट इंच और यहाँ पर कमर है सेवन इंच तो चौदह है तो चौदह का हमने हाफ़ कर लिया है सेवन इंच आ गया है सेवन इंच का मैंने निशान लगा दिया है अब इन निशानों को ऐसे देखिए अच्छा सा शेप दे दें और एक्स्ट्रा मैं फैब्रिक ले रही हूँ तकरीबन डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है लूजिंग के लिए उसके बाद यहाँ पर आर्म होल पर गलाई दे देनी है तो फ्रंट एंड बैक की इस तरीके से गुलाई दे दें तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं अब नेक का निशान देखिए हम किस तरीके से लगाएंगे मैं यहाँ पर बहुत नेक बना रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ का नेक बना सकते हो तो चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर थ्री इंच और लंबाई मैं रख रही हूँ थ्री एंड हाफ इंच तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नेक बना रही हूँ आपको अगर छोटा लगता है तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहें नेक बना सकते हो तो बैक पार्ट की भी चौड़ाई सेम रहेगी लंबाई में डेढ़ इंच की रख रही हूँ बैक पार्ट की इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है फ्रंट एंड बैक का अब जो भी आपके निशान हैं उन निशानों पर आपने कट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर वाला निशान कट करूँगी यानी कि हमारा बैक निशान होगा ये उसके बाद ये सारे निशान हमें अच्छे से कट कर देने हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए ये कट कर दिया है अब कट करने के बाद यहाँ से आपने बैक पार्ट साइड से निकाल लेना है जो कि मैंने निकाल लिया है और फ्रंट पार्ट को दोबारा से फोल्ड कर ले अब ये हम ये वाला नेक कट करेंगे यानी कि हमारा फ्रंट नेक है तो इसको हम कट करेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल कट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर ये कट कर लिया है अब आपने क्या करना है देखिए इसको सीधी साइड से फोल्ड कर लें तो यहाँ पर मैंने जो टॉप पार्ट है इसको सीधी साइड से फोल्ड कर लिया है अब यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लें यहाँ सेंटर का निशान लगाने के बाद आप लेंथ इसकी रख सकते हो तो मैं यहाँ पर एट या नाइन इंच की लेंथ रख रही हूँ ऐसे सेंटर का निशान लगा लें उसके बाद एक और ऐसे निशान लगाएं तो हमने ये सेंटर का लाइन जो है यहाँ पर बना दिया है अब यहाँ से देखिए इस तरीके से ऐसे अपने निशान लगाने हैं इस तरीके से छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाने हैं तो ये हमें चारखाने इस तरीके से बना लेने हैं तो यहाँ पर मैं सिकिया वाली लेस है वो यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पर लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हो कितनी ऊंचाई पर आपने ये सिकिया लगानी है या नीचाई पर लगानी है तो मैं तकरीबन एट इंच पर लगा रही हूँ ये तो हमने यहाँ पर सिक्के लगा ली है इस तरीके से और मैं आपको बताना भूल गई क्योंकि मैंने यहाँ पर बैक साइड में पेस्टिंग चिपकाया है इसको चिपकाने का ज़रिया ये है कि इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर आप पेस्टिंग चिपकाते हो और बिना पेस्टिंग के अगर चिपकाते हो तो झोल आ बहुत ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक बना लिया है कपड़े पर रखकर अक्सर मैं वीडियो में आपको बताती हूँ नेक किस तरीके से बनाया जाता है बैग नेक के केबल मैंने ऐसे ही देखी फोल्ड कर लिया है बिना कपड़े पर रखे हुए उसके बाद यहाँ पर आपने इस पर फिटिंग लगा लेनी है शोल्डर पर सिलाई लगानी है और जो भी आपकी फ़िटिंग है वो लगा लें तो टॉप पार्ट मैंने अभी तैयार कर लिया है स्लीव्स मैंने ऐसे ही सिंपल रखी है सोलह इंच की लेंथ है हमारे स्लीव्स की अब उसके बाद जो भी फैब्रिक है बचा हुआ तो इसमें से हम तकरीबन ढाई मीटर का फैब्रिक लेंगे और उसका हम ट्राइंगल बना लेंगे अब उसके बाद टॉप पार्ट आपने यहाँ पर लेना है इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें फोल्ड करने के बाद यहाँ पर कमर नापना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है तो मैंने कमर का निशान देखिए सेवन इंच पर लगा लिया है आप कोटी से भी नाप सकते हो अब उसके बाद लंबाई में जब हम नापते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आता है उतना निशान लगा लें और यहाँ पर गुलाई दे दें सीधा निशान आपने कभी भी नहीं लगाना है कट खराब आ जाएगा तो अब आपने टॉप पार्ट रखना है कमर से और उसके बाद टोटल लेंथ नाप लेनी है तो टोटल जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हो उतना निशान लगा लें उसमें एक दो इंच एक्स्ट्रा ले लें फोल्डिंग के लिए क्योंकि ये ऊंचा नीचा ना हो जाए इसलिए आपने एक्स्ट्रा ले करके रख लेना है उसके बाद कॉर्नर से हम नापते हुए आएंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है और ऐसे गुलाई बना देनी है तो ये गुलाई हमने बना ली है निशानों पर अच्छे से गुलाई दे लें अब जो भी हमने निशान लगाए हैं इन निशानों पर आपने अच्छे से कट कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और पहले से ही क्या हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच अब यहाँ पर देखिए घेरा कट हो चुका है यहाँ से मैं ओपन कर देती हूँ एक हिस्सा हमारा बंद है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है अब टॉप पार्ट लें उससे ये कमर नाप लें इस तरीके से कितनी सिलाई आएगी दबाव में फैब्रिक आएगा उतना ही निशान लगा करके आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तो घेरे पर हमने देखिए दोनों साइड सिलाई लगा दी है घेरा हमने बंद कर दिया है उसके बाद इसको सीधा कर लें और सीधा करने के बाद टॉप पार्ट में ये इसको इस तरीके से जोड़ देना है तो मैंने अटैच कर दिया है इसको अब यहाँ पर देखिए हमने ये बॉटम है इसको तैयार करना है तो मैंने पेस्टिंग पेपर की जो पट्टियाँ हैं वो कट कर कर ले ली हैं तकरीबन थ्री या थ्री एंड हाफ इंच की मैंने पट्टी इसको कट कर लिया है और ये राउंड राउंड हम इसको चिपका देंगे प्रेस से इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ये सीधी पट्टियाँ चिपकर चिपक जाती हैं आपको गुलाई देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ पर देखिए मैंने फुल घेरे पर अच्छे से चिपका लिया है इसको और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंगल फोल्ड करूँगी आपको ज़रूरत नहीं कि आप डबल फोल्ड करें अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिक्कि वाली लेस है आप मैंने यहाँ पर थ्री लाइन बना दी है और इस तरीके से हमने ये बॉटम तैयार कर लिया है इसे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा घेर आता है और फूला फूला फूल फ्रॉक रहता है तो चलिए अब हम कॉलर वाली स्लीव्स कट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए फोर फोल्ड में इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है उसके बाद इसकी चौड़ाई मैंने ली है नाइन इंच की और लेंथ हम रख रहे हैं अपने टोटल यहाँ पर इक्कीस इंच और बाकी का हमारा दो इंच कफ लग जाएगा तो टोटल हमारी लेंथ आ जाएगी तो उस हिसाब से ही आपने फोल्ड करना है उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है स्लीव्स हमें बिल्कुल भी कट नहीं करनी होती हैं केवल हमें स्लीव्स जैसा फ़ैब्रिक कट करना होता है अब यहाँ से बंद हिस्सा है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है अब ये दो स्लिप्स हो गई है इनको साइड से रख देते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉलर कट कर लिया है तो सीधा बुकरम ही हमने कट किया है इसकी लेंथ देखिए सत्रह इंच की मैंने रखी है क्योंकि ये इसके ऊपर हुक आएगा तो इसके ऊपर हल्की सी ये चढ़ करके आएगी तो इसलिए सोलह के बजाय हमने इसको सतरह का कट कर लिया है कॉलर तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अब आपने क्या करना है इस पर एक फैब्रिक लेना है और यहाँ पर पेस्टिंग कर देना है प्रेस से तो मैंने यहाँ पर चिपका लिया है अभी किनारा वाला जो साइड होता है इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिक् वाली लेस हम लगा देंगे जहाँ तक हमारा बुकरम है अब देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है पहले हमने इसको फ़ोल्ड किया था उसके बाद लेस लगा ली है अब बाकी का फैब्रिक हम यहाँ से आ, हल्का सा मार्जिन छोड़ती हूँ बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे जो भी सिलाई में जाता है एक या आधा इंच उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे अब उसके बाद यहाँ पर कॉलर का सेंटर बनाया इस तरीके से और सेंटर बनाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है अब ये मैंने कट कर दिया है अब कट करने के बाद यहाँ पर सेंटर बना लिया है सेंटर से देखिए आधा आधा इंच की दूरी पर मैं ये रख रही हूँ तो यहाँ पर तकरीबन पूरा टोटल निशान हमारा आया है दो इंच का तो यहाँ पर दो इंच का गैप दिया है हमने अब उसके बाद क्या करना है देखिए तो अब आपने स्लीवस लेने हैं और यहाँ पर जितना हमने निशान लगाया है दो इंच का वहाँ से हमें ये फ़ैब्रिक को हटाते हुए ऐसे रखना है और यहाँ से गैदरिंग बनानी है तो मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ इस तरीके से आपने देखिए रख कर और यहाँ पर प्लेट बना लेनी है ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी फैब्रिक को रखना है इस तरीके से जितना हमने गैप छोड़ा है दो इंच का उतना हटा करके आपने सारे यहाँ पर प्लेट्स बना देनी है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा लास्ट में भी फैब्रिक छूटेगा तो तकरीबन आधा इंच का फैब्रिक मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ और ये हमारा जो है सिंपल प्लेन फैब्रिक रहेगा यहाँ पर हम गैदरिंग नहीं डालेंगे जैसे कि हमने बीच में गैप दिया है ऐसे ही हम यहाँ पर साइड से गैप देंगे तकरीबन एक एक इंच का तो ये निशान ज़रूर से लगा लें उसके बाद ही आपने यहाँ पर प्लेट्स बनानी हैं तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है जहाँ से जहाँ तक हमारे प्लेट्स डलेंगी वहाँ से वहाँ तक हमने निशान लगा लिया है बीचों बीच हमने दो इंच का गैप छोड़ा है साइड से एक एक इंच का अब यहाँ पर देखिए जो भी हमने निशान लगा लिया है वहाँ से आपने इस तरीके से और साइड से ऐसे फैब्रिक को रखें और बाकी का जितना फैब्रिक है यहाँ पर आपने इस तरीके से गैदरिंग डाल लेनी है तो जहाँ पर हमारी गैदरिंग डलेंगी ये आता है तकरीबन सिक्स इंच का गैप तो सिक्स इंच की हमें गैदरिंग बनानी है इस स्लीप्स में ऐसे ही आपने दूसरी साइड देखी ऐसे और यहाँ से ऐसे रख कर के बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा है वहाँ पर आपने प्लेट डाल लेनी है तो प्लेट डालने से पहले जो स्लीव्स की साइड से है वो हमें फोल्ड कर लेनी है और यहाँ पर गैदरिंग डलेगी तो मैंने यहाँ पर देखिए फोल्ड कर लिया है उसके बाद यहाँ पर गैदरिंग डाल ली है जैसे कि हमने इसको ऐसे सेट कर दिया है यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने निशान लगाया है ऐसे ही आपने यहाँ पर सिलाई कर देनी है तो ये तो हमारे जो है गैदरिंग बन गई है अच्छे से अब कॉलर को हम किस तरीके से तैयार करते हैं तो इसी के हिसाब से आपने एक फैब्रिक और लेना है इसके नीचे इस तरीके से रखना है और यहाँ पर चकोर जैसे कि हमारी कॉलर है उसी हिसाब से आपने सिलाई लगा देनी है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी है देखिए बैक साइड से आप लोग देख सकते हो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने दोनों साइड से कट करना है और यहाँ पर नोजिस लगाने हैं तो हल्का सा टाइट होता है ये फैब्रिक तो आपने बहुत आराम से यहाँ पर जो है नोजेस लगाने हैं ताकि आपकी सिलाई ना कट जाए अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर को हम अच्छे से ऐसे सीधा कर लेंगे और बाकी का ये फैब्रिक है तो उसको भी हम कट कर देंगे और जो भी बचा है इसको अंदर की साइड इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई के ज़रिए इसको फ़ोल्ड कर देंगे तो मैं इसको अंदर की साइड कर देती हूँ फ़ैब्रिक को उसके बाद सिलाई लगा देती हूँ तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है हमारी कॉलर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बन करके आ गई है अब मोरी है हमारे स्लिप्स की तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर गैदरिंग बनानी है जितनी भी आपने मोरी तैयार रखनी है तो यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग मोरी तैयार कर कर रख ली है यहाँ पर देखिए मैंने पेस्टिंग चिपका लिया है एक साइड और एक साइड से फोल्ड कर कर हमने यहाँ पर सिक्किया वाली लेस लगा ली है एक साइड सादा है हमारी तो यहाँ पर देखिए आपने इस तरीके से पहले सिलाई लगानी है कफ़ बनाने के लिए और उसके बाद देखिए ऐसे हम ऊपर की साइड इसको ऐसे ले आएंगे और यहाँ पर सिलाई करनी है जब ये सिलाई हो जाएगी फिर आपने क्या करना है यहाँ से जितना भी हमने कफ़ लगाया है केवल हमें यहीं पर सिलाई लगानी है इस तरीके से और बाकी की स्लीप्स हमारी ऐसे ही खुली रहेगी तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर दिया है देखिए इस तरीके से तो ऐसे ही आपने अपनी सारी स्लीप्स को तैयार कर लेने हैं तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए असलम टेक केयर